ज़्यादा लंबी है कि इन्होंने टर्न करवा के एंट्री करवा रहे हैं। शर्मा जी कर रहे हैं बाइक होटल फोटो सेंटर ऑफ कॉस्को। दिस इज द लोअर सिक्योरिटी कैमरा फॉर आवर हाउस indoor and outdoor yeah with color night vision So if we are out of from our house so we can watch through our phone, connect our phone with the wi-fi and look into if anybody coming closer to our house or anybody, any car go through in front of our house so we can look on to. वॉशिंग मशीन दिखाने वाली हूँ, ये देखिए ये LG की वॉशिंग मशीन है एंड लोअर पे फोकस करती हैं। जो ये वाली वॉशिंग मशीन है ये बेबी क्लोथ्स वॉश करने के लिए है और डेलिकेट क्लोथ्स द प्राइस जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी इतनी ही ज़्यादा प्राइस भी हाई हो जाते हैं, बट दैट इज़ गुड ऑसम एक्चुअली। ये कॉस्को हम आए हैं, ये कॉस्को इतना बड़ा है कि यहाँ पर घूम घूम के बंदा परेशान हो जाता है एंड ये होल सेल मार्केट है पर टुडे इतना खाली है मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, इवन पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं मिलता और आज हमें आसानी से पार्किंग मिल गई है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि हाँ कोरोना ना हो बट ऐसे खाली खाली रहे ताकि शॉपिंग करना इजी हो जाए। इतना बड़ा स्टोर है ना, अब देखिए समटाइम्स तो हमें ना जो पर्टिकुलर चीज़ लेनी होती है वो पता ही नहीं चलता कहाँ पे है। दिस इज़ गुड वन, अगर हम ये बटन प्रेस करेंगे ये चलता है, सेल वगैरह कुछ डालने होते होंगे है ना। ऑल इज ज्वेलरी सेक्शन बट ये इसेंशियल थिंग नहीं है तो सब कुछ देखिए खाली हो गया, इन्होंने सब कुछ खाली कर दिया, कुछ भी नहीं है इसमें। वनीला विच वन, चॉकलेट स्वेल वनीला। Okay. कॉस्को में सोशल डिस्टेंसिंग इतने अच्छे से मेंटेन की हुई है ना, अब ये देखिए पहले हम यहाँ पर फ्रंट पे आकर कोई भी चीज़ परचेज करते थे टेबल थी लाइक की टेबल थी बट उन्होंने डिस्टेंसिंग की वजह से इतना अच्छा इंटरेस्ट रखा है कि यहाँ पर अपना ऑर्डर पे करिए पहले और उसके बाद जस्ट अपना सामान पिकअप किए। गॉट एन आइसक्रीम फ्रॉम दिस प्लेस, आई गॉट चॉकलेट एंड वनीला मिक्स टुगेदर। दिस टाइम व्हिच वन डिड यू गेट? जस्ट वनीला। यू लाइक इट? जैसे हम सब सोचते हैं कि ये बर्फ़ इतनी कैसे साफ़ होती है, तो आज है संडे और ये बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए देखिए कितनी बर्फ़ है, ये रोड्स ऐसे क्लीन होती हैं, अदरवाइज़ इस स्नो में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं तो वो तो बस जाम ही हो जाती हैं, उनको तो चलाना लाइक फंसना ही है इतनी स्नो में, तो इस वजह से इनको टाइम टू टाइम रोड्स क्लीन करनी पड़ती हैं ताकि जो लोग हैं जो रेजिडेंट हैं यहाँ के वो इजीली अपनी लाइफ को चला सकें। ये देखिए इन्होंने दो दिन पहले भी की थी, तब रात को किया था 12 बजे और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ये मॉर्निंग में भी कर रहे हैं बिकॉज स्नो पड़ गई थी और इस वजह से। ये डिफरेंस देखिए कि जैसे यहाँ पर ये हमारा फ्रंट यार्ड है, यहाँ पर तो अभी बहुत ज़्यादा स्नो है और जो सड़क है रोड
वो देखिए अब क्लीन हो गई है, बहुत अच्छे से तो नहीं हुई है बिकॉज़ आपको पता ही है कि बर्फ़ जम जाती है रोड्स पर, बट या इतना कर देते हैं कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ ईजिली चला सकें। तो ये देखिए ये साइड पे बर्फ़ के पहाड़ बन जाएंगे क्योंकि जब क्लीन करेंगी तो ऐसे तो होना ही है ना। तो इस तरह से हम इतनी ठंड में इतनी बर्फ़ में अपनी गाड़ियाँ ईजिली चला सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर सकते हैं। अभी ये फिर आए हैं फ्रंट से आइस को साइड पे करने के लिए और इस तरह से ये रोड्स हमारी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो ये देखिए ये स्नो साफ हो रही है और ये जो अपने जेसीबीज होते हैं इसकी हेल्प से इजीली बर्फ क्लीन कर पाते हैं और ये इसको ड्राइव कर रहे हैं तो इनको पता भी चल जाता है कि किस किस जगह पर दिक्कत हो रही है चलाने में। तो सेम थिंग रेजिडेंट्स के साथ भी होती है तो अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने जेसीबी की हेल्प से बर्फ को क्लीन कर देते हैं। और हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो जॉब होती है ये जस्ट विंटर्स में ही होती है और ये हार्ड वर्क है, इट्स नॉट अ ईजी थिंग बिकॉज इतनी ठंड में वर्क करना ईजी नहीं होता। आई नो ये इसके अंदर बैठे हैं ऑब्वियस है, हीट भी चला के रखी है, बट फिर भी इट्स नॉट ईजी। इनकी सबसे पहले मेन जॉब होती है सड़कें साफ करना जो मेन रोड्स होती हैं, उसके बाद इनकी ड्यूटी होती है स्ट्रीट साफ करना क्योंकि स्ट्रीट में गाड़ियाँ जब सुबह सुबह लोग काम के लिए निकलते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू ड्राइव द कार क्योंकि कई बार कार स्टक हो जाती है और फिर उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरीके से इनका काम हार्ड है उसी तरीके से इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो मोर रिस्क मोर रिवार्ड। सोच रहे हो कि ये किसके लिए लाए हैं हम, बीच में लाए बोलिए कि हाँ मन आपको आरव बताएगा कि क्यों लाए हैं। हाय आरव। हाय। कौन लाए ये सामान? पापा ने। यू एंड पापा फॉर हूम? द टीचर्स एट स्कूल इन द अदर क्लास एंड इन आवर क्लास। फॉर वैलेंटाइंस डे? Yeah, maybe tomorrow. We're supposed to give them. Tomorrow? No, not tomorrow. Your teacher told us like you guys will quarantine these stuff. Yeah, she told us we will quarantine them for 1 week, I think, first. Mm-hmm. Yeah, because today is 5th of... No. Today's 4. Oh, yeah. Yeah, today's 4th of Feb. And they told us like they will quarantine this stuff for 1 week and after that you guys can distribute this stuff to your friends, right? Yeah. We give a few of these candies and we have games here on the Valentine's cards. We have Easter cards, more cards in here. And lollipops too. Yeah, a lot of them. And these mugs. Oh yeah, these mugs have candies in them for the teachers. Tell me about these mugs. Yeah, they have candies in them and ties around them for the teacher. And the candy wrapping is red for Valentine's Day. Yeah, because Valentine is coming, so everything is red. Yeah. Should I tell you about this? Yeah. There's three colors here. Okay. Orange, yellow, and green. And a paintbrush behind here. Okay, so we can paint. We can paint it. Okay. I decided to buy it for me because it looks cool. It looks like for a baby bird. I think you will stay in this because you are a baby bird. This stem.
this stem candy could probably fit in here, and that would be funny. Mm. Are we allowed to bring this at school? I don't think so. If you got this for you. सारा जा रहा है कि मैं पेंट कर दूँ इस हट को, है ना? Yes, I love painting. I like painting.